भगवान के पांच स्वरूप का शास्त्रों में वर्णन है। कौन कौन पांच रूप? बोले पर रूप, व्यूह रूप, विभव रूप, अंतर्यामी और अर्चा। ये पांच भगवान के रूप हैं। पहला रूप है व्यूह रूप, ओ पर रूप। पर रूप का मतलब परम धाम में भगवान जो विराजमान हैं, शेष शैया पर अष्टभुज भूमा पुरुष के रूप में वो भगवान का पर रूप है, जो समस्त ब्रह्मांड से परे है। और इसी ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर में भगवान जो विराजमान है वो बोले व्यूह रूप। और तीसरा रूप भगवान का बोले विभव रूप। विभव रूप माने समय समय पर राम कृष्ण नरसिंह वामन के रूप में जो प्रकट होते हैं, ये रूप भगवान का विभव रूप। और चौथा रूप भगवान का अंतर्यामी रूप। अंतर्यामी माने जो कण कण में व्याप्त है, अंदर बाहर सब जगह अवस्थित है। और पांचवा रूप भगवान का अर्चा रूप। अर्चा रूप माने अपने भक्तों के द्वारा समर्पित पूजा को, भक्ति को स्वीकार करने के लिए मूर्ति के रूप में जो प्रकट होते हैं, ये अर्चा रूप। ये मूर्ति के रूप में विराजमान जो भगवान है, ये भगवान का पांचवा रूप है। इसको अर्चा विग्रह कहते हैं। पर विग्रह, व्यूह विग्रह, विभव विग्रह और अंतर्यामी, और पांचवा रूप भगवान का अर्चा विग्रह है। तो अंतर्यामी रूप से भगवान अंतर बाहर सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए भगवान को ढूंढने जाने के लिए कहीं जरूरत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। अब भगवान शंकर की बात सबको अच्छी लगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा, साधु साधु, शंकर जी जो कह रहे हैं ये उचित है, कहीं भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, यही हम भगवान को पुकारेंगे। और बंधुओं, सच्ची बात यही, भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना अनिवार्य नहीं है कि आप बद्री नारायण जाओ तभी भगवान मिलेंगे, आप हिमालय पर्वत पर जाओ तभी भगवान मिलेंगे, अमुख तीर्थ में जाओ तभी भगवान मिलेंगे। भगवान कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं, बस मिलने की सच्ची चाह उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। इसीलिए बिंदु जी ने कहा है, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। हर शय में उसकी सूरत उस दिन झलक पड़ेगी, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। गर अस्त्र बिंदु यूं ही ढलते रहे बिलाशक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। कहने का तात्पर्य कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं स्थान विशेष में जाने की जरूरत नहीं, आप जहां हो वहीं आपको भगवान मिल जाएंगे। जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस दशा में, जिस दिशा में आप हैं, वहीं आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस एक आवश्यकता है कि भगवान को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा उत्पन्न हो जाए।